हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आप न्यू रैंक सीजन में इजीली रैंक कैसे पुश कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे आप रैंक पुश कर सकते हैं इजीली। तो गाइस, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप रैंक में डुओ मैच खेलिए और उसमें आप अपने टीममेट से बात कीजिए। और गाइस, मैं आपको बता दे तो आपको ब्लू जोन में उतरना है, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे लूट मिलेगा। और जब आपका न्यू रैंक सीजन में बहुत ही कम बंदे उतरते हैं ब्लू जोन में, तो गाइस आपको ब्लू जोन में उतरना है। तो गाइस, पहला नंबर टिप यही था जी, आपको ब्लू जोन का पास उतरना है ताकि आप आराम से लूट कर सके। और वहाँ पर आपको लेवल 3 का बैग, साइलेंसर, बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। तो गाइस, आपको ब्लू जोन में उतरना है। तो ब्लू जोन में उतरने का बहुत सारा फ़ायदा है। तो गाइस, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलते रहे। और गाइस, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप हीरोइक बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं मेरा एक किल हो गया और यहाँ पर बहुत ही कम बंदे होते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर सर्वाइव करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा देर सर्वाइव करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस, मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को ट्रिम करता हूँ, थोड़ा सा ही वीडियो को ट्रिम करूँगा। अब गाइस, आप देख सकते हैं अलाइव 16 बचा हुआ है, तो अब हमें रश करना है। तो देख सकते हो 15 ही बंदे बचे हुए, तो आप अब आपको रश करना है। जब देख सकते हो 15 या 10 बंदे बचेंगे तब आपको रश करना है। और गाइस, अगर आपको मैच में M14 मिल जाए तो आपको वो गन उठा लेना चाहिए ताकि आपको पता ही होगा M14 का डैमेज बहुत ही अच्छा है और आप 4 से 5 गोली में बंदे को नॉक कर सकते हैं। आपको जैसे पता ही है एक गोली का डैमेज 60 का है M40 का, तो आपको अगर M40 मिले तो उसे उठा लेना है। और गाइस, आपके टीममेट के साथ आपको 50 से 100 मीटर की दूरी में रहना चाहिए ताकि अगर आप नॉक होते तो उसे रिवाइव कर सकें। तो देख सकते बहुत ही हम लोग यहाँ पर साइड आपको जोन के कोने में घूमते रहना चाहिए ताकि अगर आप जोन के कोने में घूमिएगा ना तो बहुत ही चांस कम रहता है जब आपका फाइट हुआ, क्योंकि जोन के कोने में बहुत ही कम बंदे घूमते हैं। और गाइस, देख सकते हैं मुझे अभी तक एक बंदा भी नहीं मिला है और यहाँ पर सब शायद से देखे 14 बंदे बचे हुए हैं। और देख सकते हैं मेरा टीममेट भी मेरे पास ही घूम रहा है। तो गाइस, आपको टीममेट से बात करना चाहिए और आपको ऐसे टीममेट के साथ खेलना चाहिए जो आपसे बातचीत करते हैं और आपको रिवाइव करने में मदद करेंगे। उसको भी रैंक पुश करना है, आपको भी रैंक पुश करना है, तभी आप आसानी से हीरोइक जा सकते हैं। तो गाइस, देख सकते मेरे पास बहुत ही अच्छे लूट है। देख सकते हैं मेरे पास M14 MP40 मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन गन है मेरे पास, तो देख सकते बहुत ही शानदार। आगे चल कर अगर बंदा मिल जाता है तो हम लोग आराम से मार सकेंगे। तो गाइस, देख सकते बहुत ही आसानी से रैंक पुश करना बहुत ही आसान है। आपको खाली दूर में उतरना, अगर आप ब्लू जोन में उतरते तो वहाँ पर आपको साइलेंसर, लेवल 3 का वेस्ट, लेवल 3 का हेलमेट, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कोशिश करना ब्लू जोन का पास उतरना, क्योंकि डुओ मैच में बहुत ही कम बंदे ब्लू जोन में उतरते हैं। तो गाइस, आपको ब्लू जोन में ही उतरना है। तो गाइस, मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को ट्रिम कर देता था कि आपको बोरिंग ना लगे। तो गाइस, आप देख सकते आगे एक बंदा पार हो रहा है, तो उसे मैं मारने को कोशिश करता हूँ। देख सकते M40 का डैमेज बहुत ही अच्छा है और देख सकते वो बंदा नॉक हो चुका है। तो देख सकते गाइस, बहुत ही अच्छा M14 का डैमेज है और हमें लूट भी बहुत ही अच्छा मिल चुका है और इस गेम में बोया होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। और देख सकते हैं क्या क्या मिलता है लूट, तो मुझे एक ग्लोबल मिल चुका है, बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिले। और देख सकते एक बंदा हमारे पीछे बिल्कुल आ चुका है, तो उसे भी मार देंगे हम लोग आराम से। तो देख सकते गाइस, वो दिख नहीं रहा कहाँ पर, आपको लोकेशन उसका पता करना चाहिए। और आपका देख सकते इसका डैमेज बहुत ही अच्छा है और देख सकते 4 गोली में ख़त्म हो गया बंदा। तो गाइस, आपको भी M14 अगर मिलता है तो आपको उठा लेना है। और देख सकते हैं मेरे यहाँ 3 किल हो चुका है, जो कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन बात है। और अगर आप भी ऐसे मेरे ही टिप को फॉलो करते हैं तो आप भी इजीली रैंक पुश कर सकेंगे।
और गाइज मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और गाइज आपको थोड़ा सा सर्वाइव कर लेना चाहिए ताकि आप बुया भी ले सके, क्योंकि बुया लेना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गाइज अगर आप एक मैच में 3 से 4 किल करते हो तो आपका केडी रेट भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो गाइज मैं यहाँ से थोड़ा वीडियो को ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो गाइस आप देख सकते आगे फाइट हो रहा है और देखते हो वो मतलब ग्लोबल आके मेडिकेट मार रहा है, तो मैंने उसे बहुत ही जल्द किल कर लिया। और गाइस देख सकते बहुत ही आसानी से मेरे 4 किल हो चुका। अगर गाइस आपको कहीं से डैमेज लगे तो आपको पहले ग्लोबल लाना चाहिए ताकि आप मेडिकेट मार सके। और गाइस आपको ग्लोबल बचाना नहीं है, आपको ग्लोबल लगाना तुरंत ही। तो अगर आप ग्लोबल बचाने जाइएगा तो आप मर भी सकते हैं। और गाइस आपको आराम से कवर लेके खेलना चाहिए। अगर आपके पास घर का कवर है तो आपको घर के अंदर चला जाना चाहिए। अगर आप खुले में रहेंगे तो आपका ग्लोबल कोई भी फोड़ सकता है। तो गाइस देख सकते हैं आगे एक बंदा है, जो कि देख सकते दो बंदे हैं, उसको मैं डैमेज देने की कोशिश कर रहा पर वो कवर में बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हैं 139 का डैमेज लगा है, तो गाइस उसे हम मार लेते हैं। और आपको जब रश कीजिएगा तो आप एक साथ रश कीजिएगा ताकि आप एक साथ रिवाइव कर सकें। तो गाइस देख सकते हो लोग भाग रहे हैं हवेली की तरफ, तो गाइस हम उसे आराम से मार लेंगे। और देख सकते हमारे अलावा सिर्फ 7 बंदे बचे हुए, और देख सकते हमारे टीममेट को नॉक कर दिया है। तो गाइस आपको दो तरफ से अगर ग्लोबल लगा लेना चाहिए ताकि आपको कोई पीछे से ना मार सके। और देख सकते ग्लोबल वो लोग फोड़ रहे हैं, तो आपको टीममेट को हील करने का मौका दीजिए। और गाइस देख सकते आगे भी बंदा है, पीछे भी बंदा है, तो आपको देख सकते वो नॉक वाला बंदा को हमने किल चोरी कर लिया। तो गाइस बहुत ही आसानी से देख सकते मेरा 5 किल हो चुका है। मैं देख सकते वहाँ पर एक बंदा था, मैंने लैंड मारने लगा दिया ताकि वो इधर ना आ सके। और गाइस मैं इधर से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते मेरा टीममेट ने उसे नॉक कर दिया। और आपके टीममेट को भी किल करने देना चाहिए ताकि आपका टीममेट का भी अच्छा खासा किल हो सके। गाइस देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है और मैच बहुत ही अच्छा जा रहा है। बुया भी हो सकते हैं मैच, और देख सकते हम सर्वाइव भी बहुत ही अच्छे खासे कर रहे हैं। तो गाइज आपको भी मेरा टिप को फॉलो करना चाहिए। देख सकते हैं M14 का डैमेज कितना अच्छा है, 3 गोली में बंदे को नॉक कर दिए। तो गाइज देख सकते हम अपने टीममेट के साथ थोड़ा शरारत कर लेते हैं, इसलिए रिवाइव कर देते अपने टीममेट को। और गाइज आपको ऐसा रैंक मैच में नहीं करना चाहिए शरारत उरारत, मैंने तो ऐसे मजाक से किया। तो गाइस आपको रैंक इजीली पुश करने का टिप मैंने बहुत ही अच्छा बताया। और देख सकते मेरा हम लोग के अलावा 3 बंदे बचे हुए, तो आपको जब 3 बंदे देखते तो आपको रश करना चाहिए ताकि आप भी कैसे। तो देख सकते एक बंदे ड्रम लेकर भाग रहा है, तो उसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते आपको जब भी रश कीजिएगा तो एक ग्लोबल लगा के मेडिकुट बम फेंक देना ताकि आप आराम से रश कर सके। देख सकते गाइस ये ग्रेनेड से नॉक हो चुका है। और गाइस देख सकते मेरे बंदे ने भी एक किल कर लिया, तो हमारे अलावा एक बंदा बचा हुआ है। तो गाइस मैं यहाँ को थोड़ा सा वीडियो को ट्रिम कर देता ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और गाइस अगर आपको कोई बंदा नहीं मिलता है तो आपको आपस में फाइट करना चाहिए ताकि आपको लगे जी बंदों को लगे जी आप आपस में फाइट कर रहे हैं और वो फ़ायदा लेने आ जाएगा। तो देख सकते मैंने हम लोग आपस में फ़ाइट कर रहे थे, बंदा फ़ायदा लेने आ चुका है। तो गाइस मैं उसे मारने वाला हूँ, देख सकते मैं उसे हेड मारने की कोशिश कर रहा पर वो अपना हेड नहीं दिखा रहा है। तो गाइस आपको भी ऐसे करना, आपस में फ़ाइट लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और गाइस देख सकते मैच बुया हो चुका है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। देख सकते बहुत ही आसानी से बुया हो चुका, तो आप भी मेरे टिप को फॉलो कीजिए, आप भी बहुत ही ज़्यादा रैंक मैच में बुया कर सकेंगे। तो गाइस देख सकते हैं मैं डायमंड 2 में जो आपका न्यू रैंक सीजन है। तो बाय।